सीबीआई के सामने आखिरकार सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज, जो कुक नीरज हैं, इनका कबूलनामा आ चुका है। जी हाँ, इन्होंने कबूल लिया है, इन्होंने ये कबूल लिया है कि जिस दिन दिशा सालियान की डेथ हुई थी, उससे अगले दिन रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के घर पे आईटी प्रोफेशनल्स को भेजा था, डिजिटल डेटा डिलीट करने के लिए, डिजिटल डेटा वहाँ से वापस लाने के लिए। जी हाँ, क्या है पूरा मामला? दरअसल आपको बता दें, सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने जो कबूला है, ये बोला है कि दिशा की डेथ के अगले दिन ही रिया चक्रवर्ती ने आईटी प्रोफेशनल्स को भेजा था, वो आईटी प्रोफेशनल जिसने सुशांत सिंह राजपूत के घर पे आके डेटा उठाया है, डेटा सारा निकाला है, हार्ड डिस्क को क्रैश किया है एक तरह से, और जितना भी डेटा था वो सारा डेटा अपने पास लेके चला गया। जी हाँ, और डिजिटल डेटा जो भी था, वो उन जो हार्ड ड्राइव्स थी जो सुशांत सिंह राजपूत के घर पर थी, कोई भी हार्ड ड्राइव में अब कोई डेटा नहीं था। जी हाँ, आखिर उस डेटा में क्या था, आखिर क्या छुपाना चाहते थे ये? जी हाँ, उन्होंने बताया कि आखिर छुपाना क्या चाहता था ये रिया चक्रवर्ती ने, आखिर कौन सा जो डेटा है, कौन सा डिजिटल डेटा जो है वो निकलवाया है, वो भी दिशा सालियान की डेथ के अगले दिन है। जी हाँ, ऐसी क्या सबूत थे उसमें, ऐसे क्या उन डिजिटल डेटा में सबूत थे? क्या रिया के खिलाफ सबूत थे, उसके भाई शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ सबूत थे, या जो इन सब मामलों में कनेक्टेड है, इंक्लूड है, क्या उन सब के खिलाफ कोई ना कोई सबूत था? जी हाँ, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ बने रहे, मैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा।